कंगना रनौत की प्रॉपर्टी डेमोलिशन पर आया बड़ा फैसला। कंगना की हुई जीत। हाईकोर्ट के बीएमसी को फटकार। हाईकोर्ट से बीएमसी को लगा झटका। कंगना ने किया रिएक्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि बीएमसी ने बदले की भावना से तोड़ा कंगना रनौत का ऑफिस, करनी होगी नुकसान की भरपाई। वेल, 9 सितंबर को बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस में कुछ हिस्सों को अवैध बताते हुए तोड़फोड़ की थी, जिसके विरोध में कंगना ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब कंगना रनौत और बीएमसी विवाद पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना के पक्ष में फैसला दिया। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि बीएमसी का एक्शन दुर्भावपूर्ण रवैये से किया गया है। कोर्ट ने कहा कि बीएमसी को कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ के लिए हर्जाना देना होगा। हाईकोर्ट ने कंगना के ऑफिस के नुकसान का आकलन करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में अधिकारी मार्च 2021 तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेंगे। नुकसान की भरपाई के लिए एजेंसी की रिपोर्ट पर फैसला हाईकोर्ट बाद में सुनाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस एसजे कैथावाला और आरआई छागला की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, जिस तरह से ये तोड़फोड़ की गई है वो अनधिकृत था, ऐसा गलत इरादे से किया गया था। ये याचिकाकर्ता को कानूनी मदद लेने से रोकने का एक प्रयास था। अदालत ने अवैध निर्माण के बीएमसी के नोटिस को भी रद्द कर दिया है। इस जीत के बाद कंगना ने ट्विटर पर अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा, जब कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीतता है तो ये व्यक्ति की जीत नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र की जीत है। आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, और मेरे टूटे सपनों पर हंसने वालों को भी शुक्रिया। इसका एकमात्र कारण है कि आप खलनायक की भूमिका निभाते हैं, इसलिए मैं एक हीरो हो सकती हूँ। कंगना रनौत के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत को पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर अपने विचारों को रखने में संयम बरतने को कहा है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि किसी राज्य द्वारा किसी नागरिक की गई गैर जिम्मेदाराना कमेंट्स को नजरअंदाज किया जा सकता है। किसी नागरिक के ऐसे गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों के लिए राज्य की इस तरह की कोई कार्रवाई कानून के अनुसार नहीं हो सकती है। वेल, तो ये अब साफ हो चुका है कि गलत इरादे से की गई थी कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले पर आपके क्या रिएक्शंस हैं? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स। हेलो एवरीवन, मैं अपनी फिल्म तलाईवी की शूटिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी खबर मिली है कि जो मेरे बंगले की जो इलीगल डिमोलिशन हुई थी उसका जो वर्डिक्ट है वो मेरे फेवर में आया है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ हमारे जुडिशरी सिस्टम की, हाईकोर्ट की। एंड जैसा मैंने कहा कि जब भी एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेता है, खड़ा होता है और उसकी विक्ट्री होती है, इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट में जब इंडिविजुअल की विक्ट्री होती है तो वो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की विजय है। सो आई वॉन्ट टू थैंक ऑल माई फ्रेंड्स हू गेव मी करेज एंड टू दोज हु मेड फन ऑफ मी लाइट about the illegal demolition and said that it was a legal act. No, it wasn't. I want to thank those also who played villains, because it's only because of them I can play a hero. Thank you.